हेलो, आज हम रिव्यू करने वाले हैं जियो डिजिटल लाइफ का एक छोटा फ़ोन। देखते हैं इसमें क्या खूबियाँ हैं, बाज़ार में चलेगी, आपके बजट में है और आपको पसंद आती है कि नहीं। चलिए देखिए रिव्यू। बड़े इंतज़ार के बाद मुझे अपना बुक किया हुआ रिलायंस का जियो फीचर फ़ोन आज मिल ही गया। मुझे लगता है ये फ़ोन मेरे उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता, क्योंकि 1500 या कहें 2000 पटाने के बाद भी इसमें वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और सामान्य फ़ोन से थोड़ा सा स्लो है। इसके बॉक्स को जब हम खोलते हैं तो इसमें एक फ़ोन मिलता है, एक चार्जर मिलता है और इसके सिवा दूसरा कोई चीज़ नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि इसमें एक ईयरफोन भी देना चाहिए, क्योंकि इसमें जियो के सपोर्ट से जियो टीवी चलता है। यदि आपको उसको एंजॉय करना है तो एक ईयरफोन दिया जाना चाहिए। इसमें एफएम रेडियो भी है जो बिना ईयरफोन के चलता है। जब हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर एक सिम का ट्रे है और एक एसडी कार्ड का ट्रे है। यदि आप उम्मीद करते हैं कि एक और सिम लगाना चाहते हैं तो क्योंकि सिंगल सिम ट्रे होने के कारण आप दूसरा सिम कार्ड इसमें नहीं लगा सकते। जो एसडी कार्ड है आप 128 GB तक का सपोर्ट करता है, 128 GB का एसडी कार्ड इसमें लगा सकते हैं। ये फ़ोन भी LYF ब्रांड की ओर से दिया गया है, तो इसमें LYF की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा। इसके फीचर को जब हम देखते हैं तो इसमें है HD वॉइस कॉल, इसका ट्रेवल चार्जर 700 mAh का है और इसमें मेड इन चाइना का ब्रांडिंग है। इसके फ़ोन के बॉक्स में भी मेड इन चाइना का ब्रांडिंग है। अगर हम इसके साइज़ को कंपेयर करें तो यदि आपने एप्पल आईफोन 5 चलाया है तो ये उसके बराबर का है। हाथ में बिल्कुल सही बैठता है और आसानी से इसको हैंडल किया जा सकता है। इसको बूट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जब भी हम इसको ऑन करते हैं तो इसको ऑन होने में कम से कम 1 मिनट का वक्त लगता है। और बूट होने के बाद इसमें सिंपल फीचर्स दिखते हैं। इसमें एक अलर्ट है लेफ्ट साइड मेनू में और राइट साइड के में कॉन्टैक्ट है। बहुत सारे ऑप्शन इसके बीच के बटन से काम करते हैं। फ़ोन को काटने के लिए और मेनू से बाहर जाने के लिए फ़ोन के रेड बटन का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये थोड़ा सा स्लो है। इसके मॉडल नंबर में इसमें मिलता है F61F। और हम स्टोरेज की बात करें, मीडिया फाइल को स्टोर करने के लिए हमको 974 MB और वहीं पर एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए 1.34 GB का जगह मिलता है। इस फ़ोन की कुल कीमत मुझे 2052 रुपये पड़ी, जिसमें 153 रुपये FRC, 399 रुपये सिम चार्जर्स बताया गया, जबकि 1500 हैंडसेट जो कंपनी बताती आई है। इस लिहाज से ये फ़ोन थोड़ा सा महंगा हो गया, क्योंकि कंपनी ने बाकी चार्जर्स के बारे में जानकारी नहीं दी। इस कीमत में हमको दूसरे अन्य फ़ोन भी मिलते हैं, जिसमें से इंटेक्स ट्रूबो प्लस 4G है, जिसकी कीमत है 1999 रुपये। सेम वही कीमत जो मुझे इस फ़ोन को ख़रीदने में पड़ी। हम और दूसरे फ़ोन भी ख़रीद सकते हैं जो एंड्रॉयड बेस्ड हैं, जो 2500 से 3000 के बीच आते हैं। फ़ोन को चालू करने के बाद मैंने इसका फर्मवेयर अपडेट किया, जो कि 40 MB का है। फर्मवेयर अपडेट करने के बाद भी मैं इस फ़ोन में वीडियो कॉल सपोर्ट नहीं हो रहा है। अगर हम एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन की बात करें जो इस रेंज में उपलब्ध है, तो उसमें सबसे पहला नाम LYF का फ्लाइम 3 है, जो 3000 की कीमत में उपलब्ध है। दूसरा फ़ोन है कार्बन ऑरा, जो 3333 रुपये की कीमत में उपलब्ध है। ये 5 इंच स्क्रीन और 512 MB रैम के साथ उपलब्ध है। और तीसरे फ़ोन में नंबर आता है स्वाइप लाइट स्टार, जो 4000 कीमत में उपलब्ध है, जो 1 GB रैम और 16 GB इंटरनल के साथ उपलब्ध है। हम जियो टीवी को स्पेशल केबल की मदद से अपने बड़े स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मगर उसके लिए हमें पहले 309 रुपये का केबल टीवी का प्लान अलग से लेना होगा। रिलायंस कंपनी ने यह फ़ोन खासकर उन लोगों को ध्यान में रखकर लॉन्च किया है जिन्हें कीपैड वाले फ़ोन उपयोग करने की आदत है। 512 MB रैम के साथ काई OS इस फ़ोन में संघर्ष करते हुए नज़र आता है। इसमें खूबियां खूब दी गई हैं, मगर उनको उपयोग करना थोड़ा आसान नहीं है। इसमें NFC भी दिया गया है, जो फ्यूचर में पेमेंट के लिए उपयोग में या
चीज़ों के आदान प्रदान के लिए उपयोग में लाया जाएगा। फीचर फ़ोन के हिसाब से यह फ़ोन बहुत ही एडवांस है, क्योंकि इसमें इंटरनेट ब्राउजिंग, वाईफाई कनेक्टिविटी, GPS, NFC और जियो TV जैसे बहुत ही एडवांस सुविधाएं दी गई हैं। यदि आप कम बजट में एक फीचर युक्त फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो यह फ़ोन एक बेहतर विकल्प है। लेकिन यदि आप टच स्क्रीन फ़ोन के हैबिचुअल हैं और आपको यदि बहुत ही फास्ट फ़ोन उपयोग करने की आदत है तो आप इस फ़ोन से बहुत जल्दी उब जाएंगे। एक कंपैरिजन और भी होता है कि हमको 400 रुपये में 84 GB डाटा मिलता है, वहीं पर इसमें हमको 460 रुपये पे करके भी कम डाटा मिलेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।